हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम मार्क ट्वेन की फेमस नॉवेल एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन की समरी और एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवेल में मार्क ट्वेन ने हमें एक बच्चे के एडवेंचर्स के बारे में बताया है कि वो किन किन एडवेंचर्स पर जाता है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जो नॉवल है, इसे सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, दिसंबर 1884 में, और यूनाइटेड स्टेट्स में फ़रवरी 1885 में। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हक फिन, प्रोटैगनिस्ट है, और इसमें बताया गया है कि कैसे वो अपने शराबी पिता से बचकर भागता है, और उसके साथ एक गुलाम होता है, एक ब्लैक पर्सन होता है जिसका नाम होता है जिम, और वो दोनों ही लोग एक राफ्ट पर, यानी कि लकड़ी के तख्तों को बांधकर, जो एक बोट टाइप की बनाई जाती है उसको राफ्ट बोलते हैं, उस पर वो लोग बहुत सारे एडवेंचर्स पर जाते हैं मिसिसिपी रिवर में। और एक टाइम पे वो एंटागोनिस्ट यानी अपने ही दुश्मनों के साथ भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो कि किंग और ड्यूक नाम के दो कैरेक्टर्स होते हैं, और ये दोनों कौन आर्टिस्ट यानी दूसरों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाकर वो उनसे चोरी किया करते थे। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सेंट पीटर्सबर्ग मिसूरी में, 1830s और 1840s का समय है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हक जो है वो बहुत अमीर हो गया है। टॉम सॉयर के साथ वो एक एडवेंचर पर गया था और उस एडवेंचर में उसे खूब सारा ट्रेजर मिलता है, इसलिए वो अमीर हो गया है। और विडो डोगलस और उसकी बहन मिस वॉटसन ने हक को अपने साथ अपने घर में रख लिया है ताकि वो उसे रिलीजन सिखा सके, प्रॉपर मैनर्स सिखा सके, ताकि वो एक राउडी लड़के से एक अच्छा लड़का बन जाए। लेकिन वो अपने गार्डियंस की बात मानने की जगह वो हर बार यहाँ वहाँ भागता है, और रात में वो टॉम सॉयर की गैंग के साथ गेम्स खेलता है जिसमें वो लोग रॉबर्स और पायरेट्स वगैरह, समुद्री लुटेरे वगैरह बनते हैं। तो एक दिन हक को पता चलता है कि उसका शराबी पिता पैप फिन वापस आ गया है, और उसके जो पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट थे, बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे, और इसीलिए हक परेशान हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि उसे पिता लौट आए हैं, क्योंकि उसे पता था कि उसके जो पिता हैं वो उससे उसका पैसा छीन लेंगे। और जब फिर पाप उसे यानी उसके फादर जब उसे कन्फ्रंट करते हैं, उसे ये सब पूछते हैं और उसे कहते हैं कि तुम स्कूल छोड़ दो और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करना छोड़ दो, तब हक जानबूझकर और स्कूल अटेंड करता है ताकि वो अपने पिता को नाराज़ कर सके, स्पाइट कर सके। हक्स फियर्स आर सून रियलाइज्ड व्हेन पाप किडनैप्स हिम। तो उसका ये जो डर है वो हकीकत में कन्वर्ट हो जाता है जब उसके फादर पैप उसे किडनैप कर लेते हैं और मिसिसिपी से होते हुए एक छोटे से केबिन में ले जाते हैं इलिनॉइस के किनारे, और वहाँ उसे कैद कर देते हैं उसके पिता, उसके फादर। ऑल्दो हक बिकम समवॉट कंफर्टेबल विद हिज लाइफ फ्री फ्रॉम रिलीजन एंड स्कूल, पैप्स बीटिंग्स बिकम टू सीवियर। तो पहले तो हक को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अब उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा या कोई रिलीजियस चीज़ें नहीं सीखनी पड़ेंगी, लेकिन जब उसके फादर उसे बार बार मारने लगते हैं तब वो डिसाइड कर लेता है कि वो वहाँ से भाग जाएगा और वो ऐसा प्रिटेंड करता है, नाटक करता है जैसे उसका मर्डर हो गया हो, और वो मिसिसिपी रिवर से भाग जाता है। और उसके बाद फिर वो एक जैक्सन आइलैंड नाम की जगह पर पहुँचता है जहाँ उसे मिस वॉटसन का एक गुलाम जिम मिलता है, जो कि एक ब्लैक पर्सन होता है और जो अपने डर के कारण वहाँ से भागा होता है मिस वॉटसन के यहाँ से, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं उसे बेच ना दिया जाए। उसके बाद हक और जिम को पता चलता है कि अभी भी लोग उनकी तलाश में हैं, उनको ढूंढने के लिए आ रहे हैं, और वो लोग एक राफ्ट पर बैठकर उस नदी से एस्केप कर जाते हैं। और उसके बाद जिम का ये प्लान होता है कि वो किसी भी तरीके से इलिनॉइस के टाउन कायरो तक पहुंच जाए, क्योंकि वहां से वो ओहियो नदी के सहारे तैरकर फ्री स्टेट्स पहुंच जाएगा, और फ्री स्टेट्स में कोई गुलामी नहीं है इसीलिए उसे स्लेव बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हक जब ये प्लान को सुनता है तब उसे बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हक भले ही जिम के साथ रह रहा होता है लेकिन उसे हमेशा से यही सिखाया गया था कि जो गुलाम हैं उन्हें पकड़ कर रखना चाहिए, उन्हें आज़ाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए हक को ऐसा लगता है कि वो शायद सोसाइटी के रूल्स को तोड़ रहा है जिम को अपने साथ रखकर और उसके ओनर तक ना पहुंचाकर, क्योंकि जिम एक गुलाम है तो उसे अपने ओनर तक
पहुंचाना चाहिए ऐसा हक को पता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जग स्ट्रगल विद द हक स्ट्रगल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी एंड जिम्स फ्रीडम कंटिन्यूज थ्रू आउट द नॉवल। पूरे नॉवल में हक जो है वो कन्फ्यूज रहता है कि उसे क्या करना चाहिए, जिम को उसके ओनर के हवाले कर देना चाहिए या उसे आज़ादी दिलवानी चाहिए। फिर एक रात एक स्टीम बोट आती है और हक और जिम के राफ्ट से टकरा जाती है और वो लोग दोनों सेपरेट हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। उसके बाद हक जो है वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली यानी बहुत ही अमीर फैमिली के दरवाजे के पास आकर वॉशअप होता है, यानी कि वो एक लहर उसे वहाँ पर फेंक जाती है, लहर के सहारे वो वहाँ पर आ जाता है हक। और वो जो फैमिली होती है वो होती है ग्रैंगर फोर्ड्स फैमिली, और वो लोग हक को अपने घर में रख लेते हैं। तब हक को पता चलता है कि ये जो ग्रैंगर फोर्ड्स हैं उनकी एक दूसरे अमीर परिवार के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, वो दूसरा परिवार शेफर्डसन है। और जब एक ग्रैंगर फोर्ड की एक लड़की शेफर्डसन बॉय के साथ भाग जाती है तब ये लड़ाई और ज़्यादा एस्केलेट होती है और ब्लड शेड यानी खून खराबा होने लगता है। और फिर हक को पता चलता है कि जिम वहीं आसपास कहीं छुपा हुआ है और अपने राफ्ट को रिपेयर कर रहा है। तब वो किसी तरीके से हक वहाँ से भाग निकलता है और वो लोग फिर से नदी में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं अपने राफ्ट के सहारे। और कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद हक और जिम को दो कॉनमैन मिलते हैं, यानी कि दो बदमाश टाइप के लोग मिलते हैं जो अपना भेष बदल कर दूसरों को बेवकूफ बनाया करते थे। हक हेल्प्स द मैन एस्केप देयर परसुअर्स, तो हक जो है उन दोनों आदमियों की मदद करता है क्योंकि उन दोनों आदमियों के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे और वो लोग अपनी राफ्ट में उन दोनों आदमियों को बुला लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो वो जो दोनों आदमी वो कहते हैं कि मैं एक ड्यूक हूँ, उनमें से एक आदमी कहता है कि मैं ड्यूक हूँ और दूसरा एक किंग है। और वो जो ड्यूक और किंग हैं वो हक और जिम का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और वो लोग पूरे राफ्ट पर कब्जा कर लेते हैं और जहाँ जहाँ रुकते हैं वो लोग हर जगह स्कैम्स करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक दिन जो किंग नाम का जो वो कैरेक्टर है बदमाश, उसे ये पता चलता है कि एक पास ही में रहने वाला आदमी पीटर विल्क्स मर गया है और उसके ब्रदर्स उसके भाई आने वाले हैं ताकि उसकी संपत्ति पीटर विल्क्स की संपत्ति उसके भाइयों को दे दी जाए। तो वो लोग उनको बेवकूफ़ बनाने का डिसाइड करते पीटर विल्क्स की फैमिली को। तो वो लोग इंग्लिश ब्रदर्स के फॉर्म में जाते हैं यानी अपना भेष बदलते हैं, पीटर विल्क्स के भाई बनकर वो लोग उस पूरे परिवार का इनहेरिटेंस यानी दौलत चुराना चाहते हैं। लेकिन जब वो लोग ये सब करने वाले ही थे कि तब वो असली के भाई वहाँ पहुँच जाते हैं और एक कन्फ्यूजन होती है जिसमें हक और जिम भाग निकलते हैं और ड्यूक और किंग भी भागकर फिर से हक और जिम के राफ्ट पर आ जाते हैं। अब ड्यूक और किंग क्योंकि उनके पास कोई पैसे नहीं थे तो वो लोग बहुत दुखी होते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अब वो पैसे कमाने के लिए क्या करें, इसलिए वो हक और जिम को बेवकूफ बनाकर उन्हें धोखा देकर फिर से वो लोग जिम को एक गुलाम की तरह बेच देते हैं एक दूसरे आदमी को ताकि वो लोग पैसे कमा सकें। और जब हक को पता चलता है कि जिम के साथ क्या हुआ तब उसे ये पता लगता है कि ड्यूक और किंग ने जिम को एक फैमिली को बेच दिया है और जिम अब सिलास और सैली फिल्प्स के फार्म में कैप्टिव यानी कि उसे पकड़ कर रखा गया है, गुलाम बना दिया गया है फिर से। तो हक वहाँ पर जाता है तो फिल्प्स को ये लगता है यानी फिल्प फैमिली को लगता है सिलास और सैली फिल्प्स को कि हक उनका नेफ्यू है टॉम सॉयर, और हक जो है वो टॉम की एक्टिंग भी करने लगता है। और तभी फिर उसका फ्रेंड टॉम सॉयर सचमुच वहाँ आ जाता है और तब हक बताता है कि कैसे जिम जो है उसे वहाँ पर पकड़ कर रखा गया है और हमें कैसे भी उसे गुलामी से आज़ादी दिलानी होगी। और तब टॉम जो है वो उसकी मदद करने का डिसाइड कर लेता है और टॉम एक उसका कज़िन होता है सिड, टॉम ऐसा बिहेव करता है कि वो उसका कज़िन सिड है यानी वो सिड के भेस में आ जाता है और उसके बाद वो मदद करता है उनकी, वो एक प्लान बनाता है टॉम सॉयर ताकि वो लोग सब जिम को वहाँ से भगा सकें। फाइनली जब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं तो एक फार्मर जो उनके पीछे पीछे भाग रहा था वो टॉम को उसके पैर में मारता है, शूट करता है और जो टॉम है वो इंजर्ड हो जाता है, जख्मी हो जाता है और जिम उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस वजह से जिम को फिर से कैप्चर कर लिया जाता है और फिर से वो फेल्प्स फार्म में गुलाम बना दिया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद फार्म पर टॉम पहुंचता है और आंट सैली और अंकल सिलास को बताता है कि कैसे मिस वॉटसन जो है वो
जब मरने वाली थी तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया है कि कैसे उन्होंने जिम को हमेशा के लिए आजाद कर दिया है गुलामी से, और टॉम को ये बात हमेशा से पता थी और इसी वजह से जिम को अब आजादी मिल जानी चाहिए। तो नॉवेल के एंड में हम देखते हैं कि जिम को छोड़ दिया गया है, वो आजाद हो गया है और हक फिर सोचने लगता है कि अब उसका अगला एडवेंचर क्या होगा, और यहीं पर नॉवेल खत्म हो जाती है। अब चलिए हम लोग इस नॉवेल के एनालिसिस को समझते हैं। तो हकलबरी फिन का जो प्लॉट है वो हमें इन दो कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा है, जो कि एक हकलबरी फिन है एक कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर है जिम, और ये दोनों ही अपने आप को इमैन्सिपेट यानी आज़ाद करना चाहते हैं। जिम अपने आप को गुलामी से आज़ाद करना चाहता है और हकलबरी फिन अपने आप को ऐसी सोच से आज़ाद करना चाहता है, ऐसी सोच जो कहती है कि जो ब्लैक्स हैं काले लोग हैं इनको गुलाम बनाओ, इस तरह की सोच। तो हक डिजायर्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो हक जो है वो सोसाइटी के जो जंजीरें हैं फिजिकल मेंटल, उनसे अपने आप को छुड़ाना चाहता है, और जिम जो है वो एनस्लेवमेंट यानी गुलामी की लाइफ से अपने आप को बचाना चाहता है। तो पूरे नॉवल में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसी चीज़ का है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हक जो है वो किसी तरीके से जिम को आज़ाद करना चाहता है। इनिशियली हक इज़ ओनली कंसर्न विद हिज ओन फ्रीडम। शुरुआत में हक को सिर्फ अपनी आज़ादी की पड़ी थी, लेकिन बाद में वो गुलामी को क्वेश्चन करता है। एंड आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद जिम, और उसके बाद जिम के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद हक का जो कॉन्शियंस है, उसके अंतरात्मा है, उसे बताती है, बोलती है कि उसे किसी भी तरीके से जिम की मदद करनी होगी क्योंकि जिम एक इंसान है। तो जो हक है उसके सामने लीगल बैरियर्स हैं, सोसाइटी ये अलाउ नहीं करती कि वो एक गुलाम को आज़ादी दे, लेकिन वो इस बात को समझता है कि आज़ादी जिम के लिए कितनी ज़रूरी है। तो द स्टेक्स आर मच हायर फॉर जिम। जिम के लिए आज़ाद होना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये कानून के ख़िलाफ़ है कि वो भाग सके, लेकिन फिर भी हक अपने अंतरात्मा को स्ट्रॉन्ग करता है और समझ जाता है कि जिम को फिर से गुलामी में लौटाना सही बात नहीं होगी। डिस्पाइट फीलिंग गिल्टी फॉर एक्टिंग इन अ वे हिज सोसाइटी कंसिडर्स इमोरल, हक डिसाइड्स ही मस्ट ट्रीट जिम एज नॉट एज अ स्लेव बट एज अ ह्यूमन बींग। तो भले ही सोसाइटी इसे गलत समझती है, लेकिन हक डिसाइड कर लेता है कि गुलामी अच्छी चीज़ नहीं है और जिम को अब एक गुलामी की ज़िंदगी से आज़ादी मिल जानी चाहिए क्योंकि वो एक इंसान है। इसीलिए हक उसे एक इंसानों वाला ट्रीटमेंट देता है, ना कि गुलामों वाला। सो आई होप आपको इस नॉवल की समरी और एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।